आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस एंटायर टीम सो आई वाज ट्रीटेड वेरी वेल. सबने मुझे बहुत प्यार दिया, सबने बहुत इज्जत दी और सब मुझसे डरते हैं. वो बेचारा देखो दूर मुझसे खड़ा रहता है, पास आता नहीं है. मगर नहीं, दिस वॉज माई फर्स्ट गुजराती फिल्म एट 65. मेरी मातृभाषा, बचपन से जो चीज मैंने सुनी है, कभी अवसर नहीं मिला इस भाषा में एक्ट करने का. एक दो नाटक किए हैं गुजराती में, मगर फिल्म में ये पहली बार कर रही हूँ. ये बहुत स्पेशल मेरे लिए है. मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती. लेकिन पार्थिव और मानसी और वीरल ने जो ये गाड़ी तैयार की हम सब के लिए और हम सबको उसमें सफ़र करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. सचमुच अ गुड प्रोडक्ट, ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड एंड मेड विथ द हार्ट इन द राइट प्लेस एंड द माइंड इन द राइट प्लेस. I love this combination. God bless and may we have huge amount of success and may we make more films like this. Lovely and we are so honored to have you. हमारे लिए बिल्कुल ये गर्व की बात है और आज ये खास मौका. Also wanting to ask you, Mansi, हम यहाँ पर इस duo को, this eminent two personalities with the best of their craft coming in together. सालों से गुजराती फिल्म करने की कोशिश कर रही थी. मेरी अपनी मादरी जबान है. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें, लेकिन कोई स्क्रिप्ट सही नहीं मिला. और ये जब आइडिया सुना, एक तो मानसी को मैं पहले से जानती हूँ, नाटक में काम करती हैं तो कुछ भरोसा उससे ही बन गया हमारा. और दूसरा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा आइडिया है एंड जिस तरह से इस पर काम किया गया, जितनी मेहनत से काम किया गया है और जितना दिल खोल के कोशिश और पैसा दोनों लगा है इस फिल्म में, ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हुई. और जब स्क्रिप्ट फाइनली आई हाथ में, बहुत ही अनयूजुअल और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड स्क्रिप्ट थी, तो कोई सवाल ही नहीं था. पहचाने हुए लोग हैं और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो नेकी और पूछ पूछ. क्या टीजर देख, टीजर देख के, हाँ आगे आगे देखिए पिक्चर में क्या होता है. उनकी एक लाइन है फिल्म में कि बायू पिक्चर अभी बाकी छे. स्क्रिप्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मानसी के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अनयूजुअल मुझे लगा. और ये दोनों औरतों का साथ में मिलकर के एक अलग तरह की जंग लड़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे. और इस पर कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशंस बनाने की कोशिश नहीं है. असली ज़िंदगी में से उभरती हुई बातों को खूबसूरती से पेश करना. और खूबसूरती, बाप रे, इस फिल्म में देखिएगा आप, इतनी खूबसूरती हर तरह की है. कच्छ जो जगह है वही इतनी खूबसूरत है, कमाल की जगह है. और वहाँ के लोग, वहाँ के पोशाक वगैरह, आई थिंक ये सारी चीज़ें मिल करके फिल्म का एक बहुत अलग रूप दिख रहा है जो आम गुजराती फिल्में होती हैं उससे. ये बात मुझे बहुत ज़रूरी महसूस हुई और इस बात ने मुझे आकर्षित भी बहुत किया. और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये रत्ना जी का बड़प्पन है. पार्थिव और मैं बहुत ही नए प्रोड्यूसर्स हैं, बट शी इज़ सो क्लियर. स्क्रिप्ट अच्छी है तो शी डेफिनेटली गिव्स अस अ चांस, गिव्स पीपल अ चांस. तो ये बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज इतने बड़े दिग्गज कलाकार कभी कभी ना बोल देते बिकॉज प्रोड्यूसर्स नए हैं, लेकिन शी गेव अस दैट चांस. थैंक यू सो मच. नो, मैं हमेशा हमेशा नए लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी है और वो जो जोश है और कुछ अच्छा करने की लगन है,
वो अनमैच्ड अनपैरेलल्ड है, मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू रत्ना जी। एक और एक मिनट, एक सा कुछ ऐड करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि रत्ना जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी इस गुजराती भाषा, मतलब जो इस फिल्म में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो राम मौरी ने लिखा है उसके बारे में आपने कहा था कि आप अपने बचपन में जो जुड़े हैं उसके लिए आपने एक लाइन कही थी कि ये लैंग्वेज शायद आपकी जीभ के लिए अनजानी है लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी जीभ ये जबान के साथ कई सालों से परिचित नहीं रही है लेकिन ये पहली जबान मेरे कान में पड़ी थी, मेरी माँ की जबान, और उसके वो जिस तरह के नाटक करती थी उनकी जबान। सो ये द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म, द डायलॉग राइटिंग इन पर्टिकुलर इज एक्सेप्शनल आई फील। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। रत्ना, सॉरी, यू स्टार्ट। सो आई थिंक शी इज़ अ थारो प्रोफेशनल एंड परफेक्शनिस्ट एंड आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज शी वॉज द मोस्ट सीनियर मेम्बर इन द ऑन द सेट। जैसे ही उनके साथ हम रिहर्सल्स करते थे तो एक ऐसा लगता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन पार विथ हर। तो हर एक डिपार्टमेंट जुड़ जाता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यू नो ऑल पुटिंग अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड। एंड रत्ना जी रात के 2-4 बजे की शिफ्ट हो, मतलब वो हमेशा इतनी एनर्जी के साथ शॉट देती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि अरे मैं थक गई हूँ अभी नहीं, किसी और का ले लो, ऐसा कभी भी नहीं। ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग, ऑलवेज ऑन, एंड दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू परफॉर्मर। सो आई थिंक दैट वॉज इनक्रेडिबल। हर एनर्जी इज अमेजिंग, शी इज इनक्रेडिबल। एंड व्हेन द स्क्रिप्ट द वर्क इज इंटरेस्टिंग, एनर्जी ऑटोमेटिकली राइजेस। आगे देखते हैं कैसे कैसे जाता है ये पूरा सफर कच्च एक्सप्रेस की जर्नी का। अरे और इस फिल्म में जो जबान है वो उसकी खासियत, एग्जैक्ट माहौल की खासियत है। जबान वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें अगर हम लोग हिंदी डालने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। Absolutely. और सबटाइटल है, हम चाहते हैं। Yes. आजकल दुनिया में सब लोग सब तरह की भाषा सुनने के आदि हो गए। शुक्र है कि सबटाइटल की वजह से हम लोग अलग अलग भाषाओं की लाइन की फिल्में देख पाते हैं। लहजे की मिठास है, मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये गुजरात की जो कच्छ की मिट्टी की खुशबू है वो ही खुशबू हर एक भारतीय और नॉन इंडियन महसूस करें। एब्सोल्युटली बिल्कुल। थैंक यू जी। हाँ जी, तो आज बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ट्रेलर लॉन्च है और अभी तक टीज़र लॉन्च हुआ है एंड बहुत प्रोत्साहन मिला है, सपोर्ट मिला है, नॉट जस्ट गुजरातीज बट नॉन गुजरातीज से भी, इंडस्ट्री से भी। पार्थिवन, वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है एंड फाइनली आज ये ट्रेलर जब लॉन्च होगा यहाँ से तब पूरी दुनिया इसे देखेगी और रिलीज़ होगी 6 जनवरी 2023 को। गुजराती में मानसी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो बोलना चाहूँगा कि जेवी डूंडी एवा घऊ जेवी सासू एवी बहू। मतलब आप फिल्म में खुद देख लीजिएगा। हाँ। मतलब सास और बहू का ऐसा रिश्ता आज तक कहीं देखने को नहीं मिला और इस फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं। आर्ट है, कच्छ की भूमि है, लेकिन जो स्टोरी है इट इज़ ग्लोबल एंड देर आर सो मेनी लेयर्स, रिलेशनशिप, म्यूज़िक। सचिन जिगर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, गुलराज ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिलो जान से मेहनत की है एंड वी आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 3 साल की हमारी जो मेहनत है वो आज उसका पहली झलक, मतलब कि ट्रेलर आप सब देखेंगे और वी आर होपिंग कि सब इसे प्यार करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रत्ना जी की ये पहली गुजराती फिल्म है, शी इज़ डेब्यूइंग, दिस इज़ द फर्स्ट एवर गुजराती फिल्म दैट शी इज़ डूइंग, एंड दर्शील सफारी उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है और जो विराफ पटेल है उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है। तो वी फील इट्स ग्रेट कि गुजराती इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा इतना बढ़ रहा है, यू नो मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी सिनेमा इतना आगे बढ़ रहा है तो गुजराती सिनेमा भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिल गया है तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर छेलो शो जो पैन नलिन की फिल्म है।
एंड आई थिंक एज अ फ्रटर्निटी एंड एज ऑडियंसेज ऑल्सो लोगों को पता चल रहा है कि अगर कहानी अच्छी हो तो वो किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन कहानी और पेशकश अच्छी होनी चाहिए। और ये सभी कलाकार अभी हमारे साथ बैठ के ये ट्रेलर रिलीज देखेंगे yes. और आप सब भी हमारे साथ आइए और इस ट्रेलर का पहला लुक देखिए। एब्सोल्युटली एक्चुअली ये आई वुड से इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट जो भी हो, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी एंगेजिंग हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी हो, अच्छे से लिखा हो, दर्शाया गया हो, तो ऑडियंसेस डेफिनेटली देखती हैं, और यही हमने किया है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कच्छ एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मानसी एंड पार्थिव आर लाइक रियली रियली डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, आई मीन आई नो देम सिंस सो मेनी इयर्स, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ मानसी, लाइक आई हैव सीन हर ग्रोइंग अप, लाइक यू नो मी वी बोथ हैव ग्रोन अप लिटिली टुगेदर, सो it's so amazing to see both of them turning into producers, and we all know Mansi is a great actress, so I'm really looking forward to watching her on this film as well. yes of course main teaser dekha, I think it's fabulous. Mansi is looking so authentic and everything in the whole trailer, and of course Ratna ma'am, she's great too, so yeah I'm very excited about it. Okay, thank you. Film ka part nahi hu, but then इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ के एक्टर्स को आई एम हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर लॉन्च एंड ऑल्सो फॉर द फिल्म। अपना गुजराती सिनेमामां आटली सरस फिल्म आ रही है ए पण आटला वक्त पछी, सो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू वॉच सच अ फिल्म। बहुत अच्छा लगा मुझे टीज़र, और टीज़र देखने के बाद ही ट्रेलर देखने के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, और उससे भी ज़्यादा मूवी देखने की एक्साइटमेंट है, सो आई एम श्योर इट्स गोना गो रियली गुड। जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, जिस तरह से एक्टर्स ने एक्टिंग की है उसमें, जिस तरह से फिल्म दिखने में आ रही है, बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। सो आई थिंक सो जब से पहला टीज़र आउट हुआ है, पहला विजुअल आउट हुआ है, एवरीबडी हैज़ बीन रियली रियली एक्साइटेड। It's one of the very rarest kind of visuals people actually see on regional cinema, and I would say this is just cinema. I mean, humne ek film banayi hai, language Gujarati hai. Otherwise, after a very long time, jab you know for a very long time OTT ka dauran nikla tha, and people were like, you know, ab theater mein log tabhi jayenge jab cinematic experience milega. So I think so. We wanted to tell a story with a cinematic and a visual experience. So Kutch Express is actually a film where if you want to go out in theaters and get a beautiful story narrative with visual, beautiful visuals, then this is the film. हमें जब से trailer, आज तो trailer launch है, जब से teaser launch हुआ है तब से काफ़ी excitement दिखाई दे रही है लोगों में, so I would like to say that we will live up to your expectations. We all have worked towards making this film with lots of heart, including the actors, to every crew member, to every technician, so we are just hoping for a lot of love from all of you guys. Yeah, so in fact Ratna ji kafi time se ye soch rahe the ki main Gujarati film karu, par aisi koi script nahi aa rahi ki main kar saku. Actually we are very lucky to have Ratna ma'am in our film, and her doing this as her first film, so yeah, we are super excited, and we speak about Ratna ji, and Ratna ji is here. मुझे बहुत ही टाइम से कुछ नया करना था, एंड जब मुझे पता चला कि रत्ना पाठक शाह मैम है, मानसी पारिक मैम है, धर्म सर है, सो मैंने बस सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया, बट मुझे उसके बाद बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरीके से ये कर पाऊँगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ लेकिन मैं उतना कम्फर्टेबल नहीं था कैमरा पर गुजराती कहने के लिए, लेकिन पार्थिव सर, द क्रू, एवरी वन हैज़ बीन सो नाइस, सो हेल्पफुल कि आई मिस दिस शूट, आई मीन ये शूट करने में इतना मज़ा आया था मुझे, सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, एंड देखते बस नाउ इट ऑल मैटर्स फॉर द ऑडियंस। रोमांस पार्टनर वहाँ पर ही है, रीवा रच, फैंटास्टिक एक्ट्रेस,
they're saying कि मैंने आपको रोमांस किया है आपके साथ. So how was the experience? Actually मैंने उनको बहुत ही परेशान किया है. She would love to say how was your experience? It was a great experience working with him and the entire team, and we just had a blast shooting it, and I'm sure you will have a blast when you watch the film. Fingers crossed. Thank you. Fingers crossed. Yes. That's about it. प्यारी महक है इसके अंदर. सचिन जिगर ने म्यूजिक दिया है. बहुत सारे नेटिव वर्ड्स, डायलेक्ट, बहुत नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, तो आई एम श्योर लोगों को सुनने में बहुत मजा आया. जी, कच्छ का एक जो गाना है, जो मेन एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है फिल्म के अंदर, उसके अंदर कच्छ के लोकल आर्टिस्ट के पास भी हमने गवाया है. कच्छ का डायलेक्ट भी यूज़ किया गया है, और बहुत प्यारा लैंडस्केप कच्छ का आपको उस गाने में देखने मिलेगा. नॉट एट द मोमेंट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैज़ बीन रिटेन, बट एज आई सेड के गाने जो लव सॉन्ग है वो भी बहुत प्यारा है, और एक सैड सॉन्ग है जो मानसी पर पिक्चराइज किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो हाईलाइट ऑफ द फिल्म. आई एम श्योर आपको गाने सुन के बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. मैं तो पहली फिल्म नसीर साहब के साथ करी है, एंड रत्न मैम से तो काफ़ी बातचीत है, तो ऑल ओवर मैं उन्हीं के लिए ही आया हूँ, और मानसी जी के लिए भी. लेट्स सी, दीज आर द लिविंग लेजेंड्स, सो कांट से एनीथिंग. सब सिनेमा है सर, अभी आप यू कैन डिफाइन एनी रीजनल फिल्म, इट्स ऑल अबाउट द फिल्म. कॉन्टेंट्स अच्छा होना चाहिए बस. थैंक यू. पार्थिव ने, अरे ये देखो मेरा फोटो भी. मुझे मदन का किरदार दिया है इस पिक्चर में. मैं उस लुक में आया हूँ. आप बोल रहे क्या, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ठीक ठाक से? खुद में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो ना सिर्फ खुद के परफॉर्मेंस को देख रही है, वो आपके परफॉर्मेंस को भी देख रही है, और आप देखना, आप पूछ भी सकते हो उनसे कि रत्ना जी मैं ठीक कर रहा हूँ तो, और वो तुरंत को ऐसी बारीक चीज़ पकड़ लेती है और सीन को उठा देती है, और सीन को कभी बैठने नहीं देती है. तो वो बड़ी जेनरस आर्टिस्ट है, और प्यार से कभी डांट भी देती है, जो हमें वैसे बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है. और रत्ना जी के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको, कि सारी शूटिंग कच्छ में हुई थी, हम सब वहाँ रह रहे थे, तो पार्थिव जो हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, हम सबको अच्छे अच्छे रूम दिए थे, और हम सब अपनी अपनी कुटियों से बाहर आके शाम को साथ में खाना खाते थे. तो रत्ना मैम भी आती थी, वो खाना खाती, हम उनको वापस जाने ही नहीं देते थे, उनको घेर लेते थे हम सब लोग, और उनको बोलते थे बस आप अभी पुरानी कहानियाँ सुनाइए, बातें कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, और वो एक तरह की रात की बैठक बन जाती थी, कि हम रत्ना मैम के साथ बैठे बहुत सारी बातें करते थे हम. रत्ना मैम ने हमें नसीर सर की कोई कहानियाँ सुना दी, कहीं अपने थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में बताए, और ये 40 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है यार, 40 साल अगर आपने काम किया है तो. रत्ना मैम, इफ़ यू वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर दोज लवली चैट्स. आप लोग से, आपसे हमने बहुत सीखा, आपके तजुर्बे से और आपके नमी से भी जो दिल में है आपके. तो या रत्ना मैम, वी लव यू, और अल्लाह आपको बनाए रखे. सी, जब ट्रेलर मैंने देखा तो इतना इंक्विजिटिवनेस आई. ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पहले नहीं देखी. इस तरह का ग्रैंड कच्छ इतना ब्यूटिफुली मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, तो बहुत इंतज़ार है यू नो फिल्म देखने का. आई थिंक व्यूअर्स को यही लग रहा होगा. या थैंक यू.